तो चार लाइनों से शुरुआत करूंगा जो कि मैंने सौरभ भाई से इंस्पायर होकर लिखी है, कि डर नहीं लगता मुझे अब इन बेखौफ मंजरों से, डर नहीं लगता मुझे अब इन बेखौफ मंजरों से, डर लगता है बस अपनों के पास छुपे खंजरों से। डर लगता है अपनों के पास छुपे खंजरों से, और नियत साफ हो तो महल भी छोड़ देते हैं लोग। नियत साफ हो तो महल भी छोड़ देते हैं लोग, वहीं कुछ लोग ताले भी तोड़ लाते हैं खंडहरों से। बहुत बहुत शुक्रिया। और यार, एक तरफा मोहब्बत पे है कुछ ख्याल, देखिएगा मेरे पसंदीदा ख्याल है, शायद आप रिलेट कर पाए। इश्क में हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते, इश्क में हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते, महज चाह सकते हैं रजामंद नहीं कर सकते। महज चाह सकते हैं रजामंद नहीं कर सकते, और क्या हुआ जो तुम्हें कबूल नहीं है इजहारे मोहब्बत, क्या हुआ जो तुम्हें कबूल नहीं है इजहारे मोहब्बत। यार फिर भी हम बात करना बंद नहीं कर सकते, यार फिर भी हम बात करना बंद नहीं कर सकते। और दर्द महसूस करेगा कि खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें मिली मोहब्बत, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें मिली मोहब्बत। एक हम हैं जो तुम्हें नजरबंद नहीं कर सकते, एक हम हैं जो तुम्हें नजरबंद नहीं कर सकते, और लिखेंगे मिलकर हम एक मुकम्मल कहानी, लिखेंगे मिलकर हम एक मुकम्मल कहानी। हम तुम्हारे नाम कुछ छंद नहीं कर सकते, हम तुम्हारे नाम कुछ छंद नहीं कर सकते। और देश में जो हो रहा है क्या सब ठीक है नितिन, देश में जो हो रहा है क्या सब ठीक है नितिन, रहने दो यार अगर तुम आवाज बुलंद नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। और यार, आपको पता है दोस्त हरामी होते हैं, तो एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तेरे तो सेम कास्ट थी फिर भी कट गया, तो उसी पे है, उसको रिप्लाई देने की कोशिश करी है कि दिए जो तूने जख्म वो सब मुझे कबूल हैं, दिए जो तूने जख्म वो सब मुझे कबूल हैं, लौट कर फिर ना आना मेरे भी उसूल हैं, लौट कर फिर ना आना मेरे भी उसूल है। और एक जात में होने से होता है इश्क आसान, एक जात में होने से होता है इश्क आसान, यार मेरे सामने मत करो ये बातें सब फिजूल हैं। और कुछ ख्याल हैं जो लेट नाइट तक जागते हैं वो रिलेट कर पाएंगे शायद, कि कुछ गम अब ऐसे भुलाने पड़ते हैं, कुछ गम अब ऐसे भुलाने पड़ते हैं, फिल्टर से डार्क सर्कल छुपाने पड़ते हैं, फिल्टर से डार्क सर्कल छुपाने पड़ते हैं। और शायद देखेगा कि जिन्हें जाना था वो कब के चले गए, जिन्हें जाना था वो कब के चले गए, रुकने वालों को अश्क बहाने पड़ते हैं, रुकने वालों को अश्क बहाने पड़ते हैं। और ये गलत फहमियों ने तुड़वाए हैं बहुत से घर, गलत फहमियों ने तुड़वाए हैं बहुत से घर, रिश्ते हमेशा दिल से निभाने पड़ते हैं, रिश्ते हमेशा दिल से निभाने पड़ते हैं। और जब भी लो किसी का एहसान तो सोच समझ कर लेना, जब भी लो किसी का एहसान तो सोच समझ कर लेना, यार कुछ कर्ज जिंदगी भर चुकाने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम 8-10 लाइनें पढ़ के मैं जगह लेता हूं अपनी। एक बीवी ने थे जो मांगे वचन, वो सब मंजूर हो गए, एक बीवी ने थे जो मांगे वचन, वो सब मंजूर हो गए, पर अफसोस इस लड़ाई में बेटे अपनी माँ से दूर हो गए। शुक्रिया। पर अफसोस इस, बहुत बहुत शुक्रिया। पर अफसोस इस लड़ाई में बेटे अपनी माँ से दूर हो गए, और साथ देने वालों को कभी भूला नहीं करते दोस्त, साथ देने वालों को कभी भूला नहीं करते दोस्त, पर यार तुम तो दौलत के नशे में चूर हो गए। शुक्रिया। पर यार तुम तो दौलत के नशे में चूर हो गए, और जिन पत्थरों को काफी गुरूर था खुद पर, और जिन पत्थरों को काफी गुरूर था खुद पर, टूट कर एक शीशे से वो भी चकना चूर हो गए, टूट कर एक शीशे से वो भी चकना चूर हो गए। और जो कभी खाया करते थे कसमें 7 जन्मों की, जो कभी खाया करते थे कसमें 7 जन्मों की, पता नहीं क्यों वो इतनी जल्दी हमसे दूर हो गए, पता नहीं क्यों वो इतनी जल्दी हमसे दूर हो गए। और अंतिम 4 लाइनें हैं, खास तौर से चाहूंगा आपकी, जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे चल रहा है उसी पे है, कि पता नहीं क्यों वो इतने जल्दी हमसे दूर हो गए, और लोग जलते हैं अब हमारी इस बात से, लोग जलते हैं अब हमारी इस बात से, कि जमाने में शायर भरपूर हो गए, कि जमाने में शायर भरपूर हो गए, और हमारी लिखी गजल भी लोगों को पसंद ना आई, हमारी लिखी गजल भी लोगों को पसंद ना आई, और कुछ लोग गालियां देकर भी मशहूर हो गए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।